Hey guys and welcome back to my YouTube channel. तो आज हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं तो आप सभी को तो पता चल गया है थंबनेल देख के कि आज हम करने वाले हैं रोस्ट. किसको करना है किसको नहीं करना है वो तो आप सभी को पता चल गया थंबनेल देख के, क्योंकि मैंने लगाया ही ऐसे थंबनेल. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने कह रखा है भाई रोस्ट वीडियो सही, हमें रोस्ट वीडियो सही, रोस्ट वीडियो से उन जिसने जो गलती किया उसको सुधारता है वो गलती को. तो इसलिए मैं लाया इस रोस्ट वीडियो को, इस रोस्ट वीडियो को किया हमने एक ब्यूटीफुल लेडी पर. तो इस रोस्ट वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और मोटिवेट हो जाए और ऐसा वीडियो आए. तो चलो देखते, तो देखते हम इस ब्यूटीफुल लेडी का एक वीडियो चला के. कुछ लोगों का कमबैक मतलब आप लोग समझ गए ये किसको दिया है डिश. तो ये डिश देना किससे सीखा मैं जानना चाहता. तो ये हिप हॉप लाया किसने इंडिया में, हिप हॉप का शुरुआत किसने किया. तो ये इसका डैड ने लाया, इसका फादर ने लाया, योयो हनी सिंह. तो योयो हनी सिंह को ही ये कुत्ता कहता है, जिसको जिसको जिसने पैदा किया उसको ही उस बाप को ये कहता है. साला कितना बुरा कुत्ता होगा ये, गजब बेइज्जती है. बादशाह ही नाम मेरा, तेरा बादशाह नाम है हम भी जानते हो. ये बादशाह नाम तेरे को रखा किसने, तेरे को बादशाह नाम किसने दिया, हनी सिंह ने दिया हम भी जानते हैं, सब लोग जानते. तू हनी सिंह को ही तू कहतेगा. आप लोग ने तो सुना ही होगा जो सांप को जो मिल्क पिलाते हैं उसको ही दास्ता है वो सांप. ये एक नागिन है, नागिन ये नागिन निकला, ये और राफ्सर वो सब नागिन है. मैं इन सब को सपोर्ट नहीं. तो रुको जरा सबर करो. कम बैक बेटे, तेरे को जिसने सिखाया हिप हॉप कैसे क्या करना है उसको ही तू बता रहा है कम बैक नहीं हो रहा है. तू कितना बड़ा गाधा होगा. तेरे को चलना सिखाया उसने, तेरे को पैदा किया उसने, उसको ही तू कटेगा. सला नॉनसेंस. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. Daddy, I like your dad. तेरे बच की बात नहीं, अपने dad को भेज. बाप को भेज, तेरे बच की बात नहीं. तो guys और कुछ आ गया है हमारे सामने, तो देखते हैं क्या आ गया. Hip hop India. ये मैं किसी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन वगैरह को मैं रोस्ट कर नहीं रहा हूँ. मैं फायर रोस्ट कर रहा हूँ रफ्तार और बादशाह को, ताकि वो लोग सुधर जाए. क्योंकि उसको जिसने उन लोगों को पैदा किया उन सभी उनको हनी सिंह को ये लोग कत रहा है. क्यों कर देगा भाई तू, तेरे को पैदा किया किसने, तो देख सकते हो बादशाह. तो गाइस आप लोग ने एक वीडियो तो देखा ही होगा, रफ्तार ने बच्चा को कहते हैं भाई किसका कमबैक नहीं हो रहा है. अब आ गया है हनी सिंह भी काला स्टार लेके तुम सभी को दे देगा. और मैं आप सभी को एक बात बताना भूल ही गया था, ये बादशाह एक ऐसा कमीना कुत्ता है कि इसने जिस लड़का था एक बचपन का प्यार जो लड़का था वो वायरल हुआ था हमारे इंडिया में, सब लोग जानते हैं. उस बच्चा का कंटेंट बना के उसके साथ म्यूजिक बनाया ताकि वो भी वायरल हो सके. उस बादशाह के जरिए बच्चा को मोहरे बना के बादशाह भी वायरल होना चाहते, इसलिए उसके साथ गाना गाया ये बचपन का प्यार. उस बच्चा को भी कंटेंट बना के
आप लोग तो पता ही है, आप लोग ने किरिमिनाती का ब्लॉगिंग पैरोडी वीडियो देखा है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, दिखा दिया उस बच्चा का अभी कंटेंट बना बना के। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल, एक बच्चा को भी नहीं छोड़ा। तो मैं सोचता हूँ आप लोग किसको सपोर्ट करते हो, हनी सिंह को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, और बादशाह को सपोर्ट करते हो मेरे कमेंट बॉक्स में गालियाँ दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हनी सिंह का पहले से ही फ्रेंड हूँ, बहुत साल आगे से, जब हमारे पास फ़ोन ही नहीं था, मैं दूसरों का मोबाइल से सुना था हनी सिंह का सॉन्ग। हमारे पास में एक मेरा बड़ा भाई है, उसका मोबाइल से मैं जब सोता था उस समय से मैं सुन रहा हूँ हनी सिंह का सॉन्ग। मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड है हनी सिंह, मैं बहुत उसको बहुत क्या बोलूँ आपको, दिल से बोल रहा हूँ उसको, बहुत मैं अच्छी तरह दिल से चाहता हूँ, क्योंकि उसका सॉन्ग अलग है, कुछ अलग। आपको जानने में टाइम लगेगा, आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन उसका सॉन्ग कुछ अलग है, उसका वाइब भी अलग है। तो इन लोगों ने जो ससुंदर कहता है, जो बुरबक, ये लोग बादशाह और रफ्तार, ये लोग जब सोता था, ये लोग भी जब सैलून जाता था, सैलून जाके जो वो है ना, सैलून में जो नाई है, नाई को क्या बोलता था, मुझे ऐसी साइड कटिंग चाहिए, साइड कटिंग नहीं बोला था, ये लोग सब लोग मैं जानता हूँ, सब लोग, मैं भी जब बाल कटवाने के लिए सैलून जाता था, नाई को मैं बोला था हनी सिंह कटिंग चाहिए, हनी सिंह कटिंग। वो नाम नहीं ब्रो, हनी सिंह एक ब्रांड है, ब्रांड लेजेंड, ऑलवेज लेजेंड, आपको क्या बोलूँ मैं बादशाह भाई। सात बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तू किससे पंगा लिया, तू जिससे पंगा लिया ना, हनी सिंह से पंगा लेने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा जो तेरे पास नहीं है। तू जो रैप सॉन्ग बनाता है वो तेरा फ्यू आता है, मैंने बोला क्या फ्यू नहीं आता, फ्यू आता है, लेकिन तेरा जो तूने जो फ्रेंड कमाई ना, वो फ्रेंड तेरा दिल से नहीं है फ्रेंड, मैं जानता हूँ, तेरा सॉन्ग सुनता है लेकिन तेरे को इदास्ता है तेरे फ्रेंड लोग की, लेकिन हनी सिंह ने ऐसा फ्रेंड कमाया कि पूरा दुनिया जो उसका फ्रेंड है ना, वो उसके लिए मर भी जा सकता है और तेरे को मार भी सकता है, इसलिए पंगा मत ले भाई, अच्छी तरह बोलता हूँ, पंगा मत ले, तेरे को घर से उठा लाएगा। और देखते हैं वीडियो क्लिप, गजब बेइज्जती है। और देखते हैं वीडियो क्लिप हम लोग इस ससुंदर का। इन सबको हनी भाई का एक गान से बहुत दिस पर आए, बादशाह ने भी कहा जब मेरा बुरा बक आएगा ये गाना मैं सुनूंगा, तो वो गाना है आपकी स्क्रीन पर, ये रुको जरा सबर करो। Honey said.